केलाबाड़ी व्यापारी संघ ने आम आदमी पार्टी से जुड़े पूर्व पार्षद संजय सिंह को दुर्ग शहर के नगरी निकाय की बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। दुर्ग शहर के वार्ड 41 के पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह को आम आदमी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए दुर्ग का जिला अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें कि आगामी नगरी निकाय चुनाव में अपना अहम किरदार निभाने को तैयार संजय सिंह ने इस स्वागत सम्मान की सराहना करते हुए सभी व्यापारी भाइयों का आभार जताया है। उसे देखिए और संजय सिंह जी का स्वागत करें। जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के अवसर पर केलाबाड़ी व्यापारी संघ से जुड़े संजय सिंह को आम आदमी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए दुर्ग जिला अध्यक्ष शहरी क्षेत्र के लिए नियुक्त किया, जिसके चलते नव नियुक्त जिला अध्यक्ष संजय सिंह और दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल का भव्य स्वागत अभिवादन केलाबाड़ी व्यापारी संघ द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित व्यापारी संघ के लोगों ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान आम नेता संजय सिंह और डॉक्टर एस के अग्रवाल ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। नगरी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूर्ण रूप से गंभीर है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के निर्देश का पालन करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगमों में बहुत ही व्यापक रूप से तैयारी चल रही है। संगठन पूरे वार्डों में संपूर्ण रूप से फैला हुआ है और केजरीवाल जी की गारंटियों और केजरीवाल जी के कार्यों से आम जनता प्रभावित है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में जो एक स्वच्छ छवि और ईमानदार नेता की छवि आदरणीय केजरीवाल जी की बनी है, उसी रोल मॉडल को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और पूरी दमदारी के साथ दुर्ग नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर में लगातार सक्रिय है। इवन जब कोरोना काल में सब लोग सोए हुए थे, अपने घरों में दुबके हुए थे, हम लोग लगातार जो बाहर से लोग आ रहे थे मजदूर, उनको हमने लगातार उनकी सेवा किया, उनका ध्यान रखा है। कोरोना काल में जब हर अस्पताल में त्राही त्राही मची थी, हमने उस समय के कलेक्टर भूरे जी को कहा था कि मैं अपना नर्सिंग होम देने को तैयार हूँ कोरोना के मरीजों के लिए। उसके बाद हमने लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं, संपत्ति कर का मुद्दा, रोड नाले का मुद्दा, अनेक मुद्दे हमने लगातार उठाए नगर निगम में। और अभी जो महिलाओं को महतारी बंधन योजना जो सरकार ने जारी की है, फिर से पुरानी महतारी बंधन योजना का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं जो लगातार जिनके पास मैसेज आ रहा है कि उनके खाते में पैसा जा रहा है, लेकिन जाकर बैंक में अकाउंट में जब देखते हैं तो उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। ये मुद्दा हमने उठाया था, महिला बाल विकास अधिकारी मैडम से बात की, उन्होंने कहा हम इसका जल्दी उसी समस्या का हल करेंगे। इसी प्रकार से जो श्रम योजना है, जिनपे घर परिवार वालों की मृत्यु पर 1,00,000 रुपए का जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उसमें एक शर्त यह है कि 3 महीने के अंदर उसका ऑनलाइन पंजीयन होना चाहिए। ये बेचारे गरीब लोग जो मजदूर लोग होते हैं, वो कहाँ से ऑनलाइन पंजीयन करेंगे और उसके कारण से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार की सब गोलमोल योजनाएं हैं, हम इनका लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं और हम आगे भी यह काम करते रहेंगे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।